दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के ओनर शाहरुख खान ने कोलकाता की खतरनाक टीम की किए ऐलान। आखिर दोस्तों कोलकाता टीम में क्या हुए हैं बड़े बदलाव, साथ ही कौन कौन से भूखे शेरों को मौका मिला है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों कोलकाता अपना अगला मुकाबला चेन्नई के खिलाफ खेलेगी, जो चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मुकाबला 14 मई को शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता अभी तक कुल 12 मुकाबले खेली है, जिसमें से 5 मुकाबलों में जीत मिली है तो वहीं 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है, वहीं चेन्नई 12 मुकाबलों में 7 जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। दोस्तों चेन्नई और कोलकाता के बीच अभी तक आईपीएल इतिहास में कुल 28 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से 18 मुकाबलों में चेन्नई को जीत मिली है जबकि 9 मुकाबलों को कोलकाता जीतने में सफल हुई है। ऐसे में कोलकाता चेन्नई को उसी के घर में हराने के लिए अपने टीम में किए हैं बड़े बदलाव। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं चेन्नई के खिलाफ क्या रहने वाली है कोलकाता की प्लेइंग 11। दोस्तों ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में एक बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आया है। दोस्तों आपको बता दें कि पारी की शुरुआत करने रहमान उल्लाह गुरबाज और नारायण जगदीशन आएंगे। इसके अलावा कोलकाता के प्लेइंग 11 में वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, डेविड विजय, जॉनसन चार्ल्स, शार्दुल ठाकुर, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की रहने वाली है कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस मुकाबले को कोलकाता जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर दें।